हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 11.4 लेके आए हैं। आप देखिए, तो इसमें स्फीयर के बारे में चर्चा की है। स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें रेडियस है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माने गोला, ये फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 π होता है 22/7। आर 7 7 थ्री टाइम्स आएगा, तो ये हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 4312 डिवाइड बाय 3, अगर ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 14 37 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, ये अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माने गोले का आयतन फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, सेम है, उसे आपको करना है, आपके लिए होमवर्क मान लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, सेकंड आपको करना है। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन पहुंच गए, सॉल्यूशन। अब की बात डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस निकालेंगे आर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। 4/3 π की वैल्यू 22/7, आर में आप 14 है, तो 14 × 14 × 14, 7 × 14 कहीं भी काट दीजिए, किसी भी 14 को, ये है तो अपना यहाँ पे आ गया है। देखिए, तो इसे हम अगर हम सॉल्व करने के बाद, ये हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा 11,498 × 2/3। मिक्स में डायरेक्ट हमने सॉल्व करके रखा है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही हमसे पूछा गया था। इसका भी सेकंड पार्ट है, आप स्वयं करें, देखिए, डू योर सेल्फ। फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकंड आप कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए, डायमीटर दिया है मेटेलिक बॉल, बॉल माने स्फेरिकल, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ डेंसिटी, ये गिवन है। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये डायमीटर दिया है, तो रेडियस ऑफ मेटेलिक बॉल 42 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर। देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू 4/3 π की वैल्यू 22/7 ही रख देते हैं, जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में, 2.1, r की वैल्यू 2.1 है, तो 2.1 2.1 2.1। देखिए, तो हम सॉल्व करेंगे, 7 3 ये आ गया 0.3, 3 से काटेंगे तो 0.1 आ गया।
अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका सब का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम तो अभी अभी हमने निकाला 38.808 और डेंसिटी क्वेश्चन में के बारे में देखिए 8.9 ये आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 345.3912 ग्राम ये अपना आ गया अप्रोक्स। ये अप्रोक्स निकाला है हमने, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर देखिए, देखो क्वेश्चन फोर हम कुछ भी ले सकते हैं, ये अपनी मर्जी है, तो हम तो स्टाइल में लेंगे। देखिए क्या लेंगे सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो लेट, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे लिया था डायमीटर ऑफ अर्थ मान लीजिए हमने 8R ले लिया, ये ले लिया, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ तो रेडियस कभी भी निकालना है तो डिवाइड करना, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4R। नाउ डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, तो मून का डायमीटर अर्थ से 1/4 है, तो 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ ये आ गया 2R। डायमीटर ऑफ अर्थ मून आया 2R, तो रेडियस ऑफ मून इसको हम R2 दे बोल देते हैं, तो डायमीटर को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये केवल R बचेगा। अब हमको रेशो फाइंड करना है, देखिए रेशो, देखिए रेशो ऑफ वॉल्यूम्स, यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून, इसे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून, आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो मून का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr²³, अर्थ का वॉल्यूम है 4/3 πr³³। अब 4/3 से 4/3 कट गए, पाई से पाई, आर टू तो आर है और आर वन की वैल्यू है कितनी 4R और दोनों का क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा r³/64r³। आर क्यूब कैंसिल हो गए तो 1:64, तो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स आ गया 1:64, ये अपना आंसर आ गया। देखिए तो ये इसका रेशो आ गया, या फिर इसको हम लिख सकते थे वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम इंटू अर्थ, ये आज काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी लीटर मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल डायमीटर, तो सॉल्यूशन देखिए, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
10.5, तो रेडियस हो जाएगा 10.5/2, 5.25 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो अब हम आगे निकालेंगे, आगे इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल ना हाफ स्पीयर, 2/3 πr³। अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 π, 22/7 r, 5.25 × 5.25 × 5.25, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.75, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा देखिए, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो कैपेसिटी ऑफ बाउल इन लीटर 303.1875 ये 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये है, तो ये अपना बन गया है। इसे अब हम लिखेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.303, 3 डिजिट लिख दिए बाद में, 1 है इसलिए इसको छोड़ दिया, ये लीटर में आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी 5th हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 देखिए, आयरन शीट से बनी हुई है हेमिस्फेरिकल टैंक है जी, और इसका रेडियस सॉल्यूशन देखिए, तो इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ये दिया है इसमें 1 मीटर इनर, और क्या गिवन है, थिकनेस, ये मान लीजिए हमने R2 दे दिया नाम इसका, और थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। मीटर में निकालना है तो 1000 से 100 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर, तो आउटर या एक्सटर्नल रेडियस R1 इक्वल टू 1 प्लस, ये इनर रेडियस में थिकनेस को प्लस कर देंगे 1.01 मीटर, ये आ गया। आगे देखिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या आयरन सीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन 2/3 πr³ − r² क्यूब, ये इसमें फॉर्मूला लगा दिया, हेमिस्फीयर है इसलिए। देखिए इसे अब हम सॉल्व कर रहे हैं, 2/3 × 22/7 और यहाँ आ जाएगा 1.01³ − 1³, तो यहाँ बन जाएगा देखिए 44/21
और 1.1 का क्यूब हो जाएगा 1.03 03 03 031, 1 का क्यूब 1। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं हम डायरेक्ट, 0.06348 मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेटली है ये अप्रोक्स है, जिसमें इतना आयरन लगा हुआ है 0.06348 वॉल्यूम ऑफ आयरन में यूज हुआ है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया दी है, स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है, तो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर आर सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ 4πr² इक्वल टू 154, ये आ गया 4 × 22/7 आर स्क्वायर, हमें पता नहीं है ये 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 × 7 और डिवाइड में आ जाएगा 4 × 22 से ये 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस आ गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, 4/3π है 22/7, आर क्या है 3.5, 3 टाइम्स आएगा 3.5 3.5 3.5, अब ये कैंसिल हो रहा है ऊपर 7.5 0.5 आ गया, इसको अब हम सॉल्व पॉइंट हटा के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 179 और 2/3, ये इसका आंसर आ गया। देखिए तो ये इसका वॉल्यूम आ गया स्फीयर का सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही हमसे पूछा गया था, ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है, इसमें क्या क्या दिया है, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ हेमीस्फीयर इनसाइड इट वर्ड वाइज पॉज दिए। देखो सॉल्यूशन तो दिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वाश, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वाश ₹2, और टोटल कॉस्ट दिए, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वास ये दिए 498.96, ये दिया हुआ है रुपीज, तो इनर एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल डोम जो हो जाएगा 2/3πr³, सॉरी ये दिया 2πr² एरिया है
और इसका वैल्यू दिया है अपने पास 498, 498.96 और डिवाइड में कितना आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2πr² इक्वल टू, इसे 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48 ये लिया हमने। अब तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 249.48 इंटू 7 और डिवाइड में आ जाएगा 2 × 22, ये आ गया है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 39.69 मीटर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका रूट 3969, ये होता है 63 का स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है तो 6.3 मीटर, ये सब मीटर में चल रहा है। अब हमारा रेडियस मिल गया, अब वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड वाला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। देखिए तो जो हो जाएगा 2/3 × 22/7 × 6.3 सेवन से काटेंगे, 7 × 9 = 33, ये अपना ये आ गया अभी तक। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 523.908। अब हम अप्रोक्स लेंगे या 523.90 लिख लो या 9091 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, यह आ जाएगा मीटर क्यूब अप्रोक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पहला तो सबसे पहले क्या दिया है, रेडियस ऑफ आयरन स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर आर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर 4/3πr³, ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ऐसे कितने हैं 27 स्मॉल स्फीयर, तो 27 × 4/3πr³ ये है। इसको पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया है, लेट रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, ये कैपिटल आर ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 27 × वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, भाई 27 मिलके बन रहे हैं तो जी हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे जो आएगा क्या बन जाएगा 4/3πr³ इक्वल टू 27 × 4/3πr³। ये देखो 4/3π कट गए तो r³ इक्वल टू हो जाएगा 3r³। ये वहाँ पे r डैश बोला गया शायद, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में हमने देखा भी, ये r डैश बोला गया इसको,
आर डैश, आर डैश, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा 3R। ये आ गया, तो पहला अपना हो चुका है। अब सरफेस एरिया देखिए, सेकंड सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर ये 4 पाई आर डैश स्क्वायर जी हो गया, तो 4 पाई और जी हो जाएगा 3R स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3R स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 936 पाई R स्क्वायर आ गया जी, इतना आ गया। इसके बाद देखिए, तो जी अपना आ गया, तो अब रेशो S अपॉन S डैश इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 36 पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कट गए, R स्क्वायर कट गए, तो ये आ गया 1:9, ये 1:9 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए कैप्सूल है मेडिसिन का, उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल ये दिया 3.5 mm, तो रेडियस है 3.5/2 1.75 mm, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल ये 4/3 pi r³, 4/3 22/7 आर है 1.75 सेवन से कट जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, ये आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया 22.458 mm³ या 22.46, ये अप्रोक्स हो गया, अप्रोक्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।